दिल्ली के अशोक बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक बिल्डिंग में आग लगी है, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट का काम चलता है और साथ ही बर्तन बनाने की फैक्ट्री है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त भीषण आग इस बिल्डिंग में लगी हुई है। हालांकि फायर टेंडर को लगभग 11 बजे सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद लगभग दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल जो अंदर लोग थे वो बाहर निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर बर्तन बनाने का कंपनी है, साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की फैक्ट्री है। इस एरिया में बुधवार के दिन साप्ताहिक बंदी रहती है, जिसके कारण लोग कम थे और गनीमत रही कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई थी उसे तुरंत बंद कर दी गई। घटना के वक्त मौजूद एक शख्स हैं जिन्होंने अंदर घुसकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करी और उसमें अपनी थोड़ी सा योगदान भी दिया। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम है जी विनोद कुमार। विनोद कुमार, ये किस जगह आग लगी है? ये अशोक विहार इंडस्ट्रियल में जी। किस नाम से फैक्ट्री है ये? सर नाम तो मुझे नहीं पता है, बाकी सूचना मिली थी आपको? सूचना मुझे ये मिली थी, एक्चुअली इस भीषण आग के कारण, दुर्घटना होने के कारण, मतलब मुझे ये सूचना मिली थी, मैं तुरंत मौका वारदात पे पहुंच गया जी यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, आपने अंदर, आपके हाथ भी काले हो रहे हैं, तो आपने लोगों को निकाला था, क्या करा था? नहीं सर, ऐसा था कि मैं ये देखने गया था सर कि ताकि अंदर कोई फंसा हो तो उसको थोड़ा सेफ्टी किया जाए उसके लिए। अच्छा। हाँ जी, आपने जिस वक्त आग लगी तो अंदर घुसकर लोगों को जो फंसे हुए थे उनको निकालने की भी कोशिश करी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों से फायर टेंडर लगातार जो आग है उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। काफी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें अब फायर टेंडरों की मुश्किल ये है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं आग दूसरी बिल्डिंग में ना पहुंच जाए, इसलिए 10 से 11 फायर टेंडर की गाड़ियां यहां पर मौके पर आ चुकी हैं और आग को बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इंडस्ट्रियल एरिया है जिसकी वजह से आग पर जल्दी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये 11:15 बजे की है, मैं NDPL में जॉब करता हूँ और ये वजीरपुर आजादपुर के पास है। वजीरपुर फैक्ट्री में आग लगी हुई है। इसमें बर्तन बता रहे हैं और कुछ मटेरियल प्लास्टिक का भी कुछ यूज होता है, तो आग बहुत ज्यादा लगी थी। फायर वाले कम से कम 8-10 गाड़ी खाली हो चुकी है। यहाँ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पूरी बिल्डिंग खाली है, फायर कंट्रोल में है और पुलिस वाले भी हैं, मतलब पूरी सुविधा है यहाँ पे। 11 बजे करीब मेरे पास कॉल आई थी, उसके बाद हम आए तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी चल रही थी, उसके बाद सप्लाई बंद करी तो आग बहुत ज्यादा थी, पूरे ज्यादा लौ निकल रही थी बाहर। फैक्ट्री में कोई लोग काम कर रहे थे? नहीं नहीं, शायद बंद थी, आज वीकली ऑफ था। आज वीकली ऑफ था। कितने देर पहले ये घटना घटी है? ये 11 बजे समथिंग है, 11 बजे करीब की। 11 बजे जी। अच्छा, तो पुलिस की जो फायर की गाड़ियाँ मेरे से पहले आ गई थी, मतलब जैसे मैं आया हूँ मुझे कॉल मिली उससे पहले ही आ गई। हाँ, साथ ही आ गई। कैमरा पर्सन मनीष डोडियाल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।